अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ, फिट हूँ। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान एक ऑडियो कॉल लीक हो गई है। जी हाँ, उसमें वो क्या इनकशाफ बात कर रही हैं, किसके हवाले से बात कर रही हैं, इमरान खान की बहनों के हवाले से क्या बात कर रही हैं और मज़ीद भी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी तो आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सोशल मीडिया पर बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो ऑडियो लीक हुई है उसमें साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वकला और केसेस को लेकर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों में तल्खी पैदा हो गई है। और साथ ही साथ इस बात पर बुशरा बीबी बज़िद हैं कि वो अपने लिए और इमरान खान के जो सारे केसेस हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ लतीफ़ खोसा को वकील करने के लिए बज़िद। ये ऑडियो लीक हुई है, ख़ुद ही आप सुन लीजिए कि वो इसमें क्या कह रहे हैं। मैं हैरान रह गई थी, फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने हम सबको कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने आप होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं, उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर मैं खामोश ही हो गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई है। वो कहती है ये तो है ही झूठ, हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल, बल्कि वहां तुम्हारा मसला पड़। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।